तो गाइस आज हम बनाने वाले कैक्टस फार्म और बोन मिल फार्म जो काफी इजी होने वाला है, लेकिन काफी इजी बहुत इजी होने वाला है। मतलब बोन मिल तो आपको काफी ज्यादा मिल ही जाएगी, लेकिन कैक्टस भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको यूज में आते हो तो। लेकिन गाइस आप अपनी नेसेसरी चीज जो आप करते हो वो कर लेना, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मुझे तो भाई बनाना बताना है और आपको भी आता होगा थोड़ा बहुत। तो गाइस सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म ले लेना है सबसे बढ़िया, जहाँ पे थोड़ा स्पेस हो सीधा। उसके बाद गाइस आपको 11x11 का एक बनाना है स्क्वायर, ठीक है। तो बटन पर 11x11 के स्क्वायर बनते हैं, ओके। चौथा बटन गए और लगे 4, 5, 6, 7, ओके ओके 7, 11। फटाफट से गाइस 11x11 का एक चौकोर सर्कल जो भी कहते हैं उसको बना देते हैं, ठीक है स्क्वायर। ऑलराइट, इतना होने के बाद चारों तरफ हमको डाल देना है वाटर, हर एक कोने में, हर एक 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 वाटर बकेट डाल देनी है हर एक कोने में। तो इतना करने के बाद गाइस आपको बीच में मिल जाएगा इसका सेंटर। सेंटर मिलने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है 1, ओके पानी नहीं भरना है, मैंने बहुत बढ़िया हो जाती है कभी। 2, 3, ओके 3 करने के बाद थोड़ा और नीचे चलो, ठीक है यहाँ पे 3 हुआ हमको, 4, 5। अब इसको सीधा चलना है, जब तक चलना है जब तक कि आपका थोड़ा बहुत आप देख लेना कहाँ पे आपका वो है, बस वहाँ पे नहीं खुदना चाहिए जहाँ पे खुद आई है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे खुदा है तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं है भाई, जो भी अपना आप ऊपर फार्म बनाया उसका पानी नीचे नहीं आना चाहिए। आपका एग्जिट बटन देख लेना कहाँ पर है, तो यहाँ पे चेस्ट लगाना 2 नीचे की तरफ। उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर निकलना है, ऊपर निकलने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको ना कुछ या तो कोई सा ब्लॉक लगा लेना नॉर्मली, तो यहाँ पे पहले ब्लॉक लगा लेना और यहाँ पे बैठ जाना, ठीक है। ब्लॉक लगाकर बैठ जाना और इसके ऊपर आपको लगाना है हॉपर, ऊपर तक जस्ट ऐसे ऊपर लगा देना। उसके बाद इस वाले स्टोन को हटा देना, फिर आपको चलना है अर्जा, ओके। इतना करने के बाद आपको गाइस देखो सैंड चाहिए, उस सैंड को ना हर एक गैप छोड़ के, एक एक गैप छोड़ के आपको सैंड लगानी है कुछ जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम, ठीक है। ऐसे गाइस आपको सैंड लगा देनी है चारों तरफ, तो फटाफट आप पूरी के पूरी सैंड लगा देते हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा। ऑलराइट, सैंड लगाने के बाद इनके ऊपर लगा देना आपको कैक्टस, एक एक कैक्टस हर एक के ऊपर लगा देना, और कैक्टस आपको इजीली मिल जाएंगे डेजर्ट वगैरह में, और कहीं पर आप देखो डेजर्ट में मिलेंगे, इजीली नहीं मिलेंगे पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, इनके ऊपर गाइस हमको लगानी है फेंसेस, और फेंसेस गाइस आपको हर एक कुछ ऐसे नहीं लगाना है, फेंस कुछ मतलब ऐसे मत हटा देना भाई, ये कैक्टस नहीं हटना चाहिए, कैक्टस के ऊपर हमको फेंस लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम, कुछ ऐसे हमको फैंस लगाना है कैक्टस के ऊपर, ठीक है। जस्ट गाइस कुछ इतना लगाने के बाद हमको हर एक कैक्टस के ऊपर से हर एक फैंस हटाना, बस सिर्फ कैक्टस के ऊपर से हटाना, ठीक है। जहाँ पर भी गाइस कैक्टस है सिर्फ कैक्टस के ऊपर से हमको फैंस हटाने हैं, और जो ये बीच में लग रहे हैं इनको नहीं हटाने, ठीक है। जो ये हवा में उड़ रहे हैं ना इनको नहीं हटाने, बस हमको कैक्टस के ऊपर से हटाने हैं, ये देखो बस कुछ ऐसे। और जो ये वाला है इसको भी बस कैक्टस के ऊपर से, जितना भी बस कैक्टस के ऊपर से डालना है, बस कुछ आपका ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक चैम्बर बना देना है जिसके ऊपर एक एक प्लेटफॉर्म और बनेगा सेम कुछ ऐसा जैसे नीचे बना है मेरा। सबसे पहले क्या यहाँ पे 1, 2, 3, ओके एक और लगा देते हैं इसके हाइट पर 4, ओके। इतना होने के बाद इसको पूरा का पूरा कवर कर देते हैं चैम्बर बना के, ठीक है। 1, 2, 3 और यहाँ पर भी 4 लग जा, ओके 4। जस्ट हमको यहाँ पर भी एक पिलर खड़ा करना है, 1, 2, 3 और 4, एक लास्ट यहाँ पर भी 1, 2, अरे ओके ठीक है 1, 2, 3, 4, ये गलत रख गए इनको हटा दो। और यहाँ पे गाइस फटाफट से कांच का एक चैम्बर बना देते हैं पूरा का पूरा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में भी। ऑलराइट गाइस, इतना काम होने के बाद हमको क्या करना है, अब जितना भी गाइस हमने लगाया तो हमको ले लेना है पहले, तो आपको कोई सा भी या तो लैंप ले लेना या आप नॉर्मली टॉर्च भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। इस फॉर्म में वैसे कोई ज़रूरत नहीं है टॉर्च लगाने की, बट फिर भी अगर गाइस आपको डेकोरेशन के लिए अच्छा चाहिए तो आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्लू स्टोन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पर हटा के यहाँ पर ग्लू स्टोन यहाँ पर लगाना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। चारों तरफ लगाने के बाद गाइस आपको स्लैब से ऊपर से ढक देना है, इसको पूरा का पूरा कवर कर देना है स्लैब से, तो फटाफट स्लैब से ऊपर ढक कर देते हैं। ऑलराइट, इतना करने के बाद गाइस कुछ आपका ऐसा दिखेगा, और सेम गाइस यहाँ पे भी आपको पिलर खड़े करने हैं 4 4 के, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट,
और सेम गाइस हमको यहाँ पर भी करना है 1 2 3 और ये 4 ऑल राइट, यहाँ पर भी करना है 1 2 3 4 जस्ट हमको यहाँ पर भी करना है 1 2 3 और ये 4 ऑल राइट गाइस। इतना काम होने के बाद हमको एक ग्लास के नीचे लेयर बनानी है, सिर्फ एक लेयर बनाना अभी फिलहाल के लिए, एक लेयर बनाना क्योंकि हमको नीचे भी काम करना है इसके, बस पानी नीचे नहीं जाना चाहिए इसलिए हम एक लेयर बना रहे हैं, बाद में हम इसको पूरा का पूरा ऊपर चढ़ा देंगे ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट इसको लगाते हैं और राइट ये वाला रह गया एक। अबे यार ये गलत है ज़्यादा पता नहीं कैसे। ऑल राइट यहाँ पर बन गया, देखो सर्वाइवल सीरीज थोड़ा लेट आने वाली है, थोड़ा सा लेट आने वाली क्योंकि ना मैं आपको बताऊँगा उसी में बताऊँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा लेट आएगी सर्वाइवल सीरीज ठीक है। और गाइस हमको वाटर बकेट डालनी है, लेकिन डालनी है पर यहाँ पे नहीं डालनी, गलत जगह डाल दी। ओके ठीक है, हमको हर एक कोने में वाटर बकेट डालनी है। जैसे गाइस हमने नीचे से इन चैम्बर बनाया तो गाइस ऊपर ही बनेगा, तो मैं फटाफट बना देता हूँ। ऑल राइट गाइस मैंने दोनों तरफ चैम्बर बना दिया है, तो जस्ट हमको यहाँ पे जहाँ पे अपने एग्जिट का बटन, मतलब जहाँ पे एग्जिट करने का रास्ता बनाया था वहाँ पे हमको लेडर वगैरह लगा देनी है ऊपर नीचे जाने के लिए, क्योंकि आप क्रिएटिव में तो बनाओगे नहीं, ओबियसली सी बात है सर्वाइवल में बनाओगे तो सर्वाइवल में आपको चाहिए होगा। भाई ये देखो गलत जगह लग गई, इनको हटा देता है। अब देखो गाइस यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा यहाँ पे मतलब कैक्टस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन गाइस अब एक बात सुनो, अगर आपको यहाँ पर बोन मील भी चाहिए तो हमको एक चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लग कैसा रहा है फार्म गाइस, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में पूरे चारों तरफ से, जैसा भी आपको दिख रहा है ये फार्म कुछ ऐसा लगेगा ठीक है गाइस। जितना भी है गाइस आप फार्म देख लो, पर कर रहे हैं खटा दिख रहा तोड़ रहा है, मैंने थोड़ा सा इसका वो बढ़ा दिया है वैसे 20 कर दिया है गाइस, काफ़ी सही चल रहा है, मतलब अगर एक पे रहोगे तो काफ़ी सही चलेगा, 2-3 पे रखा करो मैक्सिमम तो। और ये देखो गाइस अब गाइस इसका बोन मिल बनाने के लिए जस्ट हमको इसमें थोड़ा सा खारिस्तानी करनी पड़ेगी नीचे की तरफ, और फटाफट इसका बोन मिल का जुगाड़ भी करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ से हमको थोड़ा सा एक एरिया बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम इसका बोन मिल का सेटअप बनाइए। जैसे कि यहाँ पे एक चेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे हमको 4-5 एक ब्लॉक नीचे डिक करना है। पहले तो हम सामान निकाल लेते हैं जहाँ पे हमारा बोन मिल का, एक हमको चाहिए कंपोस्टर, एक चेस्ट और हॉपर, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 चीज़ चाहिए। उसके बाद हमको इसके नीचे की तरफ करना है थोड़ा सा गड्ढा, बस आने जाने के लिए रास्ता छोड़ देना, क्योंकि नीचे की तरफ हमको बोन मिल वगैरह भी लेके जाना होगा। मतलब ऑब्वियसली इस बात अगर सभी बोन मिल के देख रहे हैं, यहाँ पे एक चेस्ट लगाना है, इसके ऊपर हमको लगाना है हॉपर, जस्ट इसके ऊपर लगाना है कंपोस्टर और बन गया। नहीं बना गाइस, एक सेकंड रुको, एक जस्ट एक नीचे और करो। ओके उसके बाद हमको लगाना है दोबारा ये चेस्ट, एक हमको लगाना है ऊपर, उसके बाद एक कंपोस्टर और कंपोस्टर के ऊपर लगाना है हमको हॉपर। लग जा, नहीं लग रहा, एक सेकंड रुको, अब लगेगा, अब भी नहीं लगा, इसकी माँ का सगन आती लग जा। रुक जाओ गाइस, लैंप लगाना था पहले तो, बाप बड़ा बेकार लग रहा है भाई, अंधेरा अंधेरा। ओके ठीक है, लग जा, नहीं लगा भाई, बड़ा आरामी है, लग जा, नहीं लगा, आ लग जा, लग जा, नहीं लग रहा, लग जा, अबे लग ही नहीं रहा भाई, एक मिनट इसको तोड़ो, अब लगेगा, अब भी नहीं लग रहा। ओके लग गया, अब इसको वापस चेस्ट को लगा देना इधर। अब देखो गाइस हमारा जितना भी बोन मील है वो बनना शुरू हो गया है, अब बोन मील गाइस जैसे बनेगा वहाँ नीचे वाले चेस्ट में आकर आकर इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। जैसे गाइस आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो काम करेगा, आप यहाँ पे 2 कंपोस्टर लगाओगे तो दोनों वर्क करेंगे, इसके बगल में आप एक और लगा सकते हो जो कि अच्छे से वर्क करेगा, तो आप काफ़ी सारे कंपोस्टर वगैरह भी लगा सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बोन मील बता देना भाई कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ज़्यादा तो अच्छा ही है, बोन मील में आपको कैक्टस दोनों मिल रहे हैं। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर्वाइवल सीरीज में मिलेंगे अब, तो बाय टाटा, 2-3 दिन बाद आ जाएगी। जय श्री राम, सही भाइयों को बाय, सब्सक्राइब कर देना पड़ती है, बाय।